हेलो एवरीवन, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने अभी एडजेक्टिव चैप्टर जो कंप्लीट किया है, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस हम करेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है आई हैव वाटर लेफ्ट, देयर इज़ इनफ टू शेयर। अब देखिए, मेरे पास में ये बॉटल है, अब बोल रहा है कि आई हैव वाटर लेफ्ट, देयर इज़ इनफ टू शेयर। अब आपने जो अभी एडजेक्टिव पढ़ा था उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। आपने पढ़ा था इसमें सम है ना, फिर मैनी, फिर फ्यू, फिर अ फ्यू और फिर द फ्यू, ये सारे आइटम इसमें आपने पढ़े थे। फिर इधर से आपने पढ़ा था सम, मैंने आपको बोला था सम दोनों तरफ आता है, काउंटेबल वाले कैटेगरी में भी आता है, अनकाउंटेबल वाले कैटेगरी में भी आता है। इसके बाद में यहाँ से आपने पढ़ा था फिर मच, फिर आपने पढ़ा था लिटिल है ना, फिर आपने यहाँ से पढ़ा था अ लिटिल, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। फिर हम आपने पढ़ा था यहाँ से द लिटिल, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखें तो ये काउंटेबल के लिए और ये अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। इसमें काउंटेबल कैसा होना चाहिए, आपका प्लूरल होना चाहिए, मतलब कि अगर कोई भी नाउन इनके साथ जिसके साथ आप लगा रहे हैं ये, वो बॉयज़ होना चाहिए न कि बॉय, वो स्टूडेंट्स होना चाहिए न कि स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस करा था कि ये जो सम होता है इसका मीनिंग होता है कुछ, ये जो मैनी मच होता है इसका मतलब होता है ज़्यादा, जैसे कि देयर इज़ सम वाटर इन दिस बॉटल, थोड़ा सा पानी है, आधी भरी हुई है, और देयर इज़ मच वाटर, पूरी भरी हुई, बहुत सारा पानी है, टेंशन मतलब ना लोग भले इतना सारा पानी है इसमें, तो मच। इसके अलावा फ्यू और लिटिल जो होता है इसका मतलब होता है नो, नो मतलब होता है न के बराबर, अरे यार ज़्यादा पानी नहीं है इसमें यार, बिल्कुल मतलब इसमें न के बराबर है ही नहीं। अ लिटिल अ फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ होता है, और द लिटिल द फ्यू का मतलब जैसा कि मैंने आपको पूरा बताया था, जितना है सब कुछ, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इनके हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये वाली चीज़ फ्यू और लिटिल और ये वाली चीज़ द फ्यू और द लिटिल, इनको तभी लगाया जाए जब आपको लगाने के लिए कहा जाए, मतलब जब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए तो ही लगाना है। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो फिर हमको ये दोनों नहीं लगाने हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। सम दोनों तरफ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सम इज़ इक्वल टू अ फ्यू होता है ना, अ लिटिल होता है, बाकी सब चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन में चलेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है आई हैव वाटर लेफ्ट, देर इज़ इनफ टू शेयर। जब ये खुद आगे देखे बोल रहा है कि भैया काफ़ी पानी है, जैसे कभी अब क्या होता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ है ना, मेहमान बैठे साहब, चाय वाय आई, इतनी देर में जो है घर में से किसी ने पूछा कि क्यों पानी, तो मैंने कहा हाँ है पानी, हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका मतलब कितना पानी होगा आप बताइए। सबसे पहले तो बात पानी की कर रहे हैं, वाटर की, तो वाटर की कर रहे हैं तो कितना वाटर, फ्यू या अ लिटिल या द लिटिल या लिटिल, तो ये दोनों तभी लगाए जाएँ जब लगाने को कहा जाए। ये तो बोल रहा है बेचारा कि काफ़ी पानी है, इसका मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा, अ लिटिल हो जाएगा। तो आई हैव अ लिटिल वाटर लेफ्ट, देर इज़ इनफ टू शेयर, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें देखिए थोड़े से ऑप्शन सही करेंगे अपन, ये अ फ्यू काट के यहाँ पे अ लिटिल काट के अ फ्यू कर देते हैं, ठीक है, ये आप भी कर लेना। आई हैव फ्रेंड्स, अब देखिए आई हैव फ्रेंड्स, तो मेरे को क्या पता कितने फ्रेंड है, अब पीछे लिखा हुआ है इससे पता चलेगा। ये बोल रहा है कि आई एम नॉट लोनली, मैं अकेला नहीं हूँ, तो जब मैं अकेला नहीं हूँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि मेरे कुछ दोस्त हैं, समझे आप, मैं अकेला नहीं हूँ मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं। अच्छा लिटिल वाला ऑप्शन यहाँ आएगा नहीं, अच्छा फ्यू वाला इसलिए आएगा क्योंकि इसका मतलब न के बराबर होता है, लेकिन मान लीजिए इस क्वेश्चन में नॉट नहीं होता तो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती, आई एम लोनली, मैं अकेला हूँ, तो मैं अकेला हूँ इसका मतलब मेरे कितने दोस्त हैं, मेरे एक भी दोस्त नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है ही हैज़ एजुकेशन, ही कांट रीड और राइट एंड ही कैन हार्डली काउंट। अब देखिए ही हैज़ एजुकेशन, उसके पास में एजुकेशन है, ही कांट रीड और राइट, ना तो वो लिख सकता है ना वो राइट कर सकता है, राइट मतलब ना तो लिख सकता है ना रीड कर सकता है, एंड ही कैन हार्डली काउंट, बड़ी मुश्किल से वो काउंट कर पाता है, इसका मतलब उसके पास कितना एजुकेशन होगा, नो एजुकेशन, ही हैज़ नो एजुकेशन मतलब ही हैज़ लिटिल एजुकेशन, तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ही हैज़ लिटिल एजुकेशन, उसके पास में न के बराबर एजुकेशन है, न तो वो रीड कर सकता है न ही वो राइट कर सकता है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक में है,
है ना, इसमें थोड़ा सा ब्लैंक आगे पीछे हो गया है तो इसको आप छोड़ देना, यहाँ से आ जाओ आप। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 कि देयर इज मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। अब देखो फ्रिज है हमारे पास, अब फ्रिज के अंदर तपेली, तपेली में दूध, अब कितना दूध है अपने वो क्या मालूम यार, अभी पता चलेगा। मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज लिखा हुआ है, इट शुड बी इनफ फॉर आवर कॉफ़ी। मैं फ्रिज में गया तो मम्मी ने बोला कि भाई दूध है कि नहीं है फ्रिज में, तो मैंने बोला कि मम्मी देर इज़ अ लिटिल मिल्क, हाँ थोड़ा सा दूध है और इट शुड बी इनफ फॉर आवर कॉफ़ी, ये हमारी इससे हमारी कॉफ़ी बन जाएगी। मान लो कोई दोस्त आया घर पे तो अ लिटिल लगाएंगे क्योंकि ये जो है लेफ्ट इन द फ्रिज, इतना फ्रिज में पड़ा हुआ है। अच्छा फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, द लिटिल मतलब होता है जितना है सब कुछ, लिटिल मतलब होता है बिल्कुल न के बराबर। तो ये तो वैसे भी मिल्क है तो फ्यू तो आता नहीं है, अब दो तीनों बचे तो जब इनफ है, इनफ है मतलब अ लिटिल आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। छठा, ही हैज़ नॉट एनी हाउस टू लिव। अब आप विचार करो, इस आदमी के पास रहने को घर नहीं है, क्यों? बिकॉज दे हैव मनी। तो आप बताइए उसके पास कितना पैसा होगा, उसके पास में ही हैज़ नॉट एनी हाउस, उसके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, मतलब कि उसके पास पैसा होगा न के बराबर, सही बात है ना, तो लिटिल इसका ऑप्शन आ जाएगा, दे हैव लिटिल मनी, ठीक है, दे हैव लिटिल मनी, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। प्लीज़ डोंट स्टार्ट द शो। देखिए ये सारे जो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस पूरा, ये आपके लिए हिंट होता है कि भैया आपको क्या लगवाना है। तो वो बोल रहा है प्लीज़ डोंट स्टार्ट द शो, स्टार्ट मत करो शो को, ये चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा ये जो वीडियो है ये हो सकता है कि ऐप पर आपका फ्री वाले वीडियो में भी चले, तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा जो है कंप्लीट वीडियो कोर्स जो है ये चल रहा है, ये एक वीडियो आपके लिए हो सकता है ये फ्री आया हो, नहीं भी जा सकता है, तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये फ्री वाला वीडियो है, बाकी आपका एक कंप्लीट वीडियो कोर्स चल रहा है। आप इस ऐप के स्टोर ऑप्शन में जब जाएंगे, है ना, आपने जो ऐप डाउनलोड किया है इसके स्टोर ऑप्शन में आप जाइएगा, और स्टोर ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो भी कोर्स आपको चाहिए, तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स, इस पर आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको ये कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट पेमेंट करके और इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, आप सभी लोगों को मैं बता दूँ जितने भी वीडियो देख रहे हैं, इसमें अभी आपके पास में 65 के आसपास वीडियोज़ अपलोड होंगे, ठीक है। तो बाकी के वीडियोज़ आपके आना शुरू हो जाएंगे, एक एक वीडियो डेली अपलोड होता जाएगा, ठीक है। बाकी मैं अपने तरीके से आपको बिल्कुल बेहतरीन पढ़ा रहा हूँ, आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बड़ी आसान तरीके से बता रहा हूँ, जैसा कि आप इतने सारे वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, और जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। रियलिस्टिक मतलब कि जो वास्तविकता में जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये भी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और हमने इसको अच्छे से क्लियर किया है इसके पहले वाले वीडियो में, है ना। तो आप बिल्कुल शंका न रखें मन में, ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी बुक के क्वेश्चन करें, जो देखिए मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया है ये आइटम सम एनी। लोगों को पता ही नहीं अभी तो कि फ्यू और फ्यू लिटिल क्या होता है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है और आज के इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप किसी भी बुक में जाएं और बुक में इसके क्वेश्चन करें तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, है ना। कि कोई भी बुक जो भी आपके पास हो तो उसमें जब आपको फ्यू दिखे, सम दिखे, है ना, एनी दिखे, मैनी दिखे, तो आप उसके क्वेश्चन करें, है ना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर होता है तो आप मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, ठीक है, तो आपको जो अपनी लाइव क्लास चलती है उसमें बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ाएं गाड़ी, ये देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है, लिखा हुआ है आई ड्रिंक वाटर दैट वॉज इन द पॉट। अब एक थोड़ा सा विचार करना, मैंने आपको एक तरीका बताया था दैट वॉज, तो अगर किसी भी सेंटेंस में दैट वॉज आता है तो दैट वॉज आता है तो इसका अर्थ होता है जितना है सब कुछ। ये बॉटल है मेरे पास, अब क्या हुआ कि इसमें पानी भरा हुआ था इतना, अब मैंने इसको यहाँ पर लगाया मुँह के और सारे ही पी गया, अब कुछ भी नहीं बचा है मैंने इसमें, है ना। अब वो छोरी आई कि पापा मेरे को पिलाओ पानी, तो मैंने उसको दिया हाथ में खाली बॉटल, तो वो क्या बोलेगी, अरे यार मामा पापा तो सारा ही पानी पी गए। मतलब कितना पानी पी गया मैं, सारा, मतलब जितना था सब। तो ये जो हम हिंदी में बोलते हैं ना सारा, तो वो सारा होता है आपका क्या, द लिटिल, ठीक है। तो ये एक हिंट है दैट वॉज, अगर किसी भी क्वेश्चन में दैट वॉज आता है ना, दैट वॉज इन द पोर्ट, तो वहाँ आपको क्या लगाना है, द लिटिल लगाना है। तो आई ड्रैंक, मैंने पिया द लिटिल वाटर
दैट वॉज इन द पोर्ट, मतलब जितना भी पोर्ट में था वो सारा पानी मैंने पी लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए वाटर दैट वॉज, वापस से आया ना दैट वॉज इन द पोर्ट इवेपोरेटेड। तो एक बात बताओ कितना पानी उड़ गया, तो इस बोतल में जितना भी पानी था सारा का सारा उड़ गया, तो सारा का सारा उड़ गया तो क्या लगा देंगे अपन, द लिटिल, ये देखिए द लिटिल वाटर दैट वॉज इन द पोर्ट इवेपोरेटेड, जितना भी पानी बोतल में था सारा का सारा उड़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दसवां प्रश्न है, यू कैन ईजिली राइट योर लेटर। सामने वाला कह रहा है कि यू कैन ईजिली राइट योर लेटर, तुम तुम्हारा लेटर जो है वो आसानी से लिख सकते हो। देयर इज इंक इन दिस पोर्ट, ये जो पोर्ट है ना इसमें इंक है, तो कितनी इंक होगी, जब सामने वाला कह रहा है कि ईजिली राइट, तो इसका मतलब कि लिटिल, लिटिल मतलब तो न के बराबर होता है, जबकि ये तो कह रहा है कि ईजिली राइट, ये नहीं आएगा। फ्यू यहाँ लगता नहीं है इंक के साथ, मच मच बहुत सारी इंक है, हाँ ठीक है, तो ये लग जाएगा। द लिटिल कब लगता है, देखो द लिटिल की तरकीब बताऊँ आपको मैं, द लिटिल अपने को तभी लगाना है कि जब हमारे पास में ये ऑप्शन होते हैं, कौन से, देखो दैट वॉज, दैट हैड, विच वॉज, ये वाले जब ऑप्शन होते हैं, दैट वॉज, दैट हैड, विच वॉज, विच हैड, तो ये वाले ऑप्शन होते हैं ना, तो इसमें आप द वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर काउंटेबल हुआ तो द फ्यू लगा देना, और अगर अनकाउंटेबल हुआ तो द लिटिल लगा देना। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि आई ड्रैंक वाटर दैट वॉज इन द पोर्ट, दैट वॉज इन द पोर्ट। अब बताओ मैंने कितना पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर दैट वॉज इन द पोर्ट, तो जितना भी पोर्ट में था ये इससे पता चल रहा है दैट वॉज, ठीक है, दैट वॉज, तो आई ड्रैंक वाटर दैट वॉज इन द पोर्ट, जितना भी पोर्ट में था सारा पानी क्या हो गया, सारा पानी मैंने पी लिया, तो यहाँ आ जाएगा आपका द लिटिल। तो सर यहाँ पे द फ्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि भैया वाटर अनकाउंटेबल है ना, इसलिए है ना। अच्छा द फ्यू वाला क्वेश्चन के आई टॉट स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, हु हैड कम, जितने भी आए थे, कम केम कम, तो ये देखो हु हैड आया है ना, विच हैड, दैट हैड, हु हैड, ऐसा कुछ आ जाए ना, तो ऐसे केस में हम लगा देंगे द वाला। अब द फ्यू लगाऊं कि लिटिल, तो कि सर फ्यू, क्यों सर इसमें फ्यू क्यों लगा रहे, क्योंकि भैया स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, और यहाँ पे पानी था, ये दोनों में डिफरेंस होता है। बोलो बात समझ में आ गई, अब देखो आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, ये 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलिए अब 11वें क्वेश्चन से करते हैं हम आगे क्वेश्चन। देखिए 11वां क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आई स्पेंट, एक सेकेंड, आई स्पेंट मनी दैट आई हैड, तो कितनी मनी मैंने, ये आप यहीं से बता सकते हैं, दैट आई हैड, मैंने कितना पैसा खर्च करा, भाई जितना भी मेरे पास था, तो द लिटिल इसका सही ऑप्शन आ जाएगा। बोलो ठीक है, 11वां क्वेश्चन हो गया, अब 11वें से उधर चलेंगे ऊपर। ये शीट आपके पास में है अवेलेबल, ठीक है, ये जो शीट है ये आपके ऐप पर अवेलेबल है ऑलरेडी, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, हिज मदर डज नॉट पे एनी ट्यूशन फीस, यार उसकी मम्मी उसकी ट्यूशन फीस पे नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव मनी, क्योंकि मेरे पास में पैसा है, कितना पैसा है, बिकॉज आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास में ज़्यादा पैसा नहीं है। हाँ टाइम है, क्या हुआ, क्यों अभी 2 मिनट, तो हिज मदर डज नॉट पे हिज ट्यूशन फी, उसकी जो मम्मी है उसकी ट्यूशन फी पे नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास में, देखो यहाँ आई हैव की जगह कर देना शी हैज, क्योंकि उसके पास में पैसा है, कितना पैसा है, लिटिल, न के बराबर, ठीक है। अगला प्रश्न, आई एम सॉरी आई कांट पे फॉर योर लंच, जब सामने वाला खुद ही कह रहा है, जैसे एक दोस्त आपको वहाँ ले गया साहब कहाँ पे, होटल में, बोले चलते वो जोरदार जाके खाना खिलाऊँ, वाह साहब खाने वाना खिलाया, अब उसने क्या बोला आपको पता है, आई एम सॉरी, बोलो हो गया कल्याण अपना, तो मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब, बोले आई कांट पे फॉर द लंच, मैं लंच का पैसा नहीं दे सकता, मैंने कहा क्यों क्या हो गया, बोले कि आई हैव मनी, तो उसके पास कितना पैसा होगा, लिटिल मनी, लो लिटिल मनी आ गया, तो लिटिल आया मतलब बर्तन मान जो, हैं मानने ही पड़ेंगे, अब क्या करेंगे, दो ही को मानने पड़ेंगे।
अगला है नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट आई पजेस्ड प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम. एक बात बताइए, नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट आई पजेस्ड, दैट आई पजेस्ड लिखा हुआ है, आई और पजेस्ड है ना, प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम. तो एक बात बताइए कि किसी आदमी को कोई तकलीफ है, अब आपको उसकी दवा पता है या उस आपको नॉलेज है कि किससे ये चीज़ सही होगी, तो आपके पास जितना भी नॉलेज होगा सब आप उसको देंगे कि नहीं देंगे. तो जितना है सब कुछ, तो जितना है सब कुछ क्या आ जाएगा, द लिटिल आ जाएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा. द लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन, ये वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है दैट और पजेस, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें द लिटिल आएगा. अगला क्वेश्चन है आपके पास, देयर वॉज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर फॉर द गेस्ट. एक बात बताइए, ये जो रेफ्रिजरेटर है इसमें मेहमान के लिए दूध है ना, तो कितना दूध है भाई, थोड़ा बहुत तो होगा, ऐसे तो नहीं है कि उनके दूध ऐसे बस ओम करके छाँट देंगे ना, वहाँ जाओ, थोड़ा बहुत तो पिलाना पड़ेगा, भले पानी की चाय बनाओ पर थोड़ा बहुत तो दूध चाहिए क्या सफ़ेद सफ़ेद करने के लिए. देयर वॉज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर फॉर द गेस्ट, तो कितना मिल्क होगा भैया, अ लिटिल मिल्क है ना, देयर वॉज अ लिटिल मिल्क. अच्छा सर, इसमें लिटिल भी तो आ सकता है सर, हो सकता है, देखो आपके मन के विचार, देखो हो सकता है सर के दूध नहीं हो, अरे भैया जब नहीं उसको ये लगवाने की इच्छा होगी ना तो आपको लिख के देगा स्पष्ट. मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये और ये तभी लगाएं जब लगाने के लिए कहा जाए. अगला क्वेश्चन देखो आप, सोलवा, सोलवा है देयर वॉज अ फ्लड. अब देखो बाढ़ आ गई थी, अब आप विचार करो देयर वॉज अ फ्लड, बाढ़ आ गई थी, बट वाटर एक्चुअली गॉट इन टू माई हाउस, लेकिन मेरे घर में कितना पानी घुसा, तो जब बट आ गया मतलब ऑपोजिट, देर वॉज अ फ्लड, बाढ़ आ गई थी लेकिन मेरे घर में पता है पानी भी नहीं घुसा, लिटिल, लेकिन से लिटिल आ गया, न के बराबर पानी घुसा, थोड़ा बहुत आया होगा बाकी ज़्यादा नहीं आया. द टीचर कॉल्ड स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स है तो सबसे पहले बाकी सब आ सकते हैं, स्टूडेंट्स में फ्यू भी आता है, द फ्यू भी आता है, मेनी भी आता है, सम भी आता है, अब आना कौन सा है तो देखते हैं. दैट वर सिटिंग इन द क्लास टू द क्लासरूम, तो इसने बोला दैट वर सिटिंग, ये जितने भी छोरे उस क्लास में बैठे ना, जो भी ये चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, बुला के लाओ इनको, तो कि सर कितने को बुला के लाऊँ, सबको बुला के लाओ जितने भी बैठे हैं, तो जितने भी बैठे हैं तो क्या आ जाएगा, द फ्यू आ जाएगा. बोलो बात समझ में आई, आई डोंट हैव फ्रेंड, फ्रेंड्स कर लो इसको. तो देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है पता आपको, एनी, ये हमने पढ़ा था सम और एनी में, मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया है ना. जैसे मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सेंटेंस में सम, नेगेटिव में एनी लगता है. अगर कोई सेंटेंस, कोई ऐसे वर्ड जैसे कि हार्डली, बेयरली किसी सेंटेंस में आते हैं तो वो नेगेटिव होता है. अगर कोई सेंटेंस जो विल या वुड से स्टार्ट होता है तो उसमें सम आता है ना. आई डोंट हैव फ्रेंड्स, तो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स. 19वां क्वेश्चन है, रानी, ये देखो रानी आ गई, इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड गर्ल इन द स्कूल. अब देखो मोस्ट ब्यूटिफुल एंड, अब मैंने आपको बोला था कि जब एंड से दो डिग्रियों को जोड़ रहे हो तो दोनों एक जैसी होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन चूंकि रानी एक है तो आर्टिकल एक काफ़ी है, तो दूसरा पॉजिटिव डिग्री तो लेना है, सॉरी ये सुपरलेटिव है ना, तो ये सुपरलेटिव है तो इधर भी सुपरलेटिव होनी चाहिए, तो सुपरलेटिव कहाँ, इंटेलिजेंट कट्टस, मोर इंटेलिजेंट कट्टस, मोस्ट इंटेलिजेंट बिल्कुल ये लगा देंगे, तो सर ये लगा दो ना द मोस्ट इंटेलिजेंट. अरे भाई साहब द, ये इसलिए लगाएंगे कि रानी एक है, एक द काफ़ी है, दो द की ज़रूरत नहीं है. अगला है द बस हैज़ अराइव्ड देन वी एक्सपेक्टेड, तो बस आई, मैंने एक्सपेक्ट करा था कि 10 बजे आ जाएगी, बस आई जी जी मेरी 11 बजे, तो एल ए टी ई आर लेटर, ये मैंने आपको पढ़ाया था लेटर, एल ए टी ई आर समय में, समय में बाद में, और एल ए डबल टी ई आर ये जो होता है ये क्रम में बाद में, क्रम में बाद में, ठीक है. अगला, दिस टेम्पल इज देन दैट टेम्पल, देखो एक टेम्पल है, ये जो टेम्पल है ये इस टेम्पल से पुराना है, तो पुराना है तो यहाँ पर क्या आएगा, देन लग रहा है तो ओल्डर आ जाएगा. ये आपने चार नियम पढ़े थे, एल्डर, ओल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट वाले, वही है ये. अगला क्वेश्चन है आपका 22वां, देखिए नॉट देन 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस. अब नॉट 2 किलोग्राम्स राइस की बात हो रही है, तो राइस में आएगा नॉट देन मतलब लेस देन. अगर यहाँ राइस नहीं होते और अगर कोई ऐसा नाउन होता जो कि काउंटेबल है जैसे स्टूडेंट्स होते ना, तो नॉट फ्यूअर देन आ जाता, क्या आ जाता भैया,
नॉट फ्यूअर देन, स्टूडेंट्स की वजह से फ्यूअर आ जाता, स्टूडेंट्स नहीं है राइस है इसलिए लेस आ जाएगा। अब देखो कौन आया भैया, गंगाराम आया। अच्छा गंगाराम कितना पानी पी गया है, तो गंगाराम ने पिया ड्रिंक वाटर दैट वॉज इन द पोर्ट, मतलब कि जितना भी पोर्ट में था सारा का सारा पी गया है, तो सारा का सारा पी गया तो क्या आएगा, गंगाराम ड्रैंक द लिटिल वाटर दैट वॉज इन द पोर्ट, तो इस दैट वॉज की वजह से क्या आ जाएगा आपका, द लिटिल आ जाएगा। ठीक है, गंगाराम ड्रैंक द लिटिल वाटर दैट वॉज इन द पोर्ट। अगला है देयर आर वाटर इन दिस पोर्ट, तो जब ये कह रहा है देयर आर वाटर, तो देखिए द लिटिल आएगा नहीं, द फ्यू आएगा नहीं, फ्यू आएगा नहीं तो बचा क्या, फिर मच आ जाएगा, तो देयर आर मच वाटर इन दिस पोर्ट। 24 नंबर, अमिताभ पहुंचा इंस्टीट्यूट पे रंगेश के बाद, तो पहले अमिताभ पहुंच गया, टाइम की बात हो रही है तो एल ए टी ई आर। ठीक है, अच्छा वो आप कह रहे हो कि सर क्रम में कैसे, तो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स बट द लेटर इज वेरी इंटेलिजेंट, बाद वाला इंटेलिजेंट है, बाद वाला कौन, श्याम बताइए आपको, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, एल ए डबल टी ई आर। अगला देखो 26, पीपल आर सिंसियर इन द वर्ल्ड, कितने पीपल, द लिटिल नहीं, अ लिटिल नहीं, अ फ्यू हाँ थोड़े से लोग सिंसियर है, द फ्यू तो अपन को लगाना नहीं है क्योंकि लगाने को बोला नहीं है। 27, बुक्स आई हैड हैव बीन स्टोलन, मेरे पास जितनी भी बुक थी सारी चोरी हो गई, तो बुक्स आई हैड, तो आई हैड तो द फ्यू, समझ में आ रहा होगा आपके, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। रमेश इज मोर इंटेलिजेंट देन स्टूडेंट इन द क्लास, तो आप विचार करो, रमेश इज मोर इंटेलिजेंट देन स्टूडेंट इन द क्लास, तो जब भी कभी यहाँ मोर इंटेलिजेंट होगा, है ना, मोर इंटेलिजेंट मतलब कॉम्पिटिटिव डिग्री, ये मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि ये सब अपन ने पढ़ लिया है, आपका रिवीजन हो रहा है, बस क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव डिग्री आ रही है। अब कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद यहाँ पे देखो सिंगुलर आ रहा है, तो एनी अदर आएगा, मैं एक बार बता देता हूँ इसको, देखो यहाँ पे करते हैं इसको, कॉम्पिटिटिव डिग्री एनी अदर सिंगुलर नाउन। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर सिंगुलर नाउन हुआ तो क्या आ जाएगा आपका, एनी अदर आ जाएगा, कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑल अदर और प्लूरल नाउन, बोलो समझ आया, कॉम्पेरेटिव डिग्री एनी अदर सिंगुलर नाउन, कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑल अदर प्लूरल नाउन, और सुपरलेटिव डिग्री आ जाए यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री तो फिर यहाँ पे ऑल आएगा केवल, और नाउन हमेशा प्लूरल ही रहेगा, प्लूरल नाउन। ठीक है, ये देखो सुपरलेटिव डिग्री ऑल प्लूरल नाउन, तो ये नियम याद रखना, इससे आपका काम बढ़िया हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा आपका, ये रमेश इज, ये देखो कॉम्पिटिटिव डिग्री नहीं, ये सिंगुलर नाउन है ना, तो एनी अदर, ही इज टॉलर देन, देखो यहाँ टॉलर देन कॉम्पिटिटिव डिग्री आई, फिर यहाँ देखो बॉयज लिखा हुआ है ना, तो क्या आ जाएगा, ऑल अदर। बस द क्लाइमेट ऑफ मंदसौर इज बेटर देन ऑफ उज्जैन, तो यहाँ तो आपका दैट आ जाएगा क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर है, और ये हमने पढ़ा था, आप याद करो प्रोनाउन में, प्रोनाउन में जाना डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर, इसमें जाओगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में जाओगे, वहाँ आपको मिलेगा। अगला देखिए, राम इज देन श्याम, तो राम इज टॉलर, राम इज द टॉलर, राम इज मोर टॉलर, या राम इज द टॉलेस्ट, तो राम इज टॉलर देन श्याम, बड़ा ही आसान है। कृष्णा इज इंटेलिजेंट देन सोहन, यहाँ पे कृष्णा है, यहाँ पे इंटेलिजेंट है, तो मोर इंटेलिजेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है। माय फ्रेंड इज देन मी, देखो मेरा दोस्त है, और आपने एल्डर वाले में क्या पढ़ा था कि सगे ब्लड रिलेशन में एल्डर और अदर देन ब्लड रिलेशन ओल्डर, तो यहाँ आपका ओल्डर आ जाएगा। विच बुक इज द ऑफ द टू, देखिए टू आ रहा है, सिलेक्शन की बात हो रही है, तो विच बुक इज द टू आ रहा है, इसलिए मुझे बेटर लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग द को देख के बेस्ट लगा देते हैं, बट बेस्ट इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि टू आ रहा है, तो हमको बेटर लगाना पड़ेगा, और साथ में द भी रहेगा क्योंकि टू की वजह से, बोलो क्लियर है। 34 हो गया, अब देखिए आगे, अभी निपटा देते हैं इसको, सब पढ़ रखा है, बस अपने को रिवाइज करना है। ठीक है, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट, तो देखो द फास्टर ही कंप्लीट द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट नहीं आएगा,
द लार्जर आएगा। और ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है पता है? बताता हूँ आपको। अपन शिमला कुल्लू मनाली चले थे, याद है आपको? मैंने आपको बोला था शिमला कुल्लू मनाली, है ना? तुम्हारे देखो शादी हो जाए ना, तो शादी के एक आध महीने के अंदर अंदर जहाँ भी जाके आना है आ जाना है, क्योंकि 2-3 महीने निकल जाते हैं ना, तो फिर सब पोल खुल जाती है धीरे धीरे। क्योंकि अपन जब शादी करते हैं ना, तो उस समय जो आइटम लाते हैं ना अपन, फेयर एंड लवली और बढ़िया वाली क्रीम और बढ़िया वाले जो भी सब बढ़िया वाले लाते हैं ना, पाउडर, सब ख़त्म हो जाते हैं। और फिर जब ख़त्म होते हैं तो उसके बाद कौन से वाले आते हैं आपको पता ही जे हैं, सबसे जो सस्ते वाले होते हैं, तो फिर पोल खुलती है। तो उससे पहले पहले जे आओ, है ना? ज़्यादा लेट नहीं होना अपने को। मैं भी जे आया था 1 महीने में, क्योंकि जब शादी हुई थी तो उस समय परफ्यूम वर्फ्यूम सब ब्रांडेड आए थे अपने, लाना पड़ते एक एक एक, घर वाले दिला देते, फिर बाद में दिलाते घर वाले, तो वो ख़त्म नहीं हुआ, उसके पहले जे आया। उसके बाद अभी तक एक पाउडर का डब्बा भी नहीं आया ढंग का, तो इसलिए टाइम से जाना अपने को, ठीक है? हाँ, अपन क्या बात कर रहे थे? हाँ, वहाँ चले थे अपन। तो द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूलर यू फील। अब देखो इसका मीनिंग समझो आप। द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना आप ऊपर जाओगे ना उतना आपको ठंडा ठंडा लगेगा। तो द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना ऊपर जाओगे उतना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, हायर और यहाँ कूलर, है ना? तो इसी टाइप से अभी जो क्वेश्चन था ये इसी टाइप से था कि द फास्टर, ये देखो यहाँ क्या है आपका, द फास्टर आया ना, एक सेकेंड, ये द फास्टर आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द लार्जर। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर, तो कंपेरेटिवली, और यहीं पे लिख देता हूँ रिलेटिवली के बाद में पॉजिटिव डिग्री आती है, कॉम्परेटिव नहीं आती है ना, तो यहाँ आ जाएगा गुड। दिस बुक इज़ प्रिफरेबल, दिस बुक इज़ प्रिफरेबल देन दैट एंड, देखिए प्रिफरेबल के बाद देन के बजाय क्या आएगा, टू आ जाएगा। अगला है अर्तिशी इज़ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैंने क्या बोला था, ऑफ आवर विलेज, तो शी इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, हमारे गांव की सबसे सुंदर लड़की है, ये देखो आप। इन आवर एरिया द जर्नी बाय बस इज क्विक एंड सेफ, नहीं होगा क्योंकि यहाँ देन लगा हुआ है, और जब यहाँ देन लगा हुआ है तो यहाँ पर क्विकर एंड सेफर, बोलो समझ आए? ही रन्स फास्टर देन यू बट आई कैन रन एज फास्ट इफ नॉट फास्टर देन यू। तो देखो इसमें लॉजिक है, ही रन्स फास्टर देन यू बट आई कैन रन एज फास्ट एज आएगा, क्योंकि जब भी कभी एज होता है ना, तो इधर भी एज होता है और बीच में क्या होता है, फास्ट एज, फास्ट एज। ही डिमांडेड 3 पेंसिल्स बट देयर वर नॉट सम पेंसिल्स, नहीं आएगा एनी पेंसिल्स, क्योंकि यहाँ वर नॉट आ रहा है। सोहन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोर लेबोरियस ऑफ द टू, तो आप बोलोगे कि सर ऐसा करो कि यहाँ पे एंड लगा हुआ है, यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट है, तो ऐसा करो आप कि मोस्ट इंटेलिजेंट को जो है देखते हुए आप इसको मोर को मोस्ट कर दो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि मोर को मोस्ट नहीं करना है, एक मिनट, मोर को मोस्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें टू लगा हुआ है, और जब इसमें टू लगा हुआ है तो ऐसे केस में दो लोग हैं, और जब दो लोगों में कंपेरिजन होता है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है, तो यहाँ आपको इस मोस्ट को मोड करना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मोस्ट है तो उसको मोस्ट करें, आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा, यहाँ पे टू है तो इस टू है तो इस मोस्ट को क्या करना पड़ेगा, मोड करना पड़ेगा। हाँ धीरे, हाँ 5 मिनट। द डेथ ऑफ किंग अवॉर्डेड वॉज प्रायर देन द ग्रेट वॉर ऑफ यूरोप, देखो प्रायर देन लिखा हुआ है ना, तो देन लिखा हुआ है ना, तो प्रायर के बाद टू आता है, आपको याद है क्या, कई कई के बाद टू आता है? मैं बताता हूँ एक बार, देखो ये देखना, सबसे पहला तो प्रीफर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर और प्रायर और एंटेरियर, इन सब के बाद में टू का यूज किया जाता है, ठीक है? चलिए, नाउ अ डेज वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि नाउ अ डेज वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर, नहीं आएगा कोल्डर एंड कोल्डर। अच्छा ये कैसे हुआ, देखो जब भी कभी कोई भी चीज़ क्रमशः बढ़ती है या कम होती है, जैसे मान लो अभी भाव बढ़ रहे ना पेट्रोल के,
तो द प्राइजेज आर गेटिंग, प्राइजेस कैसे हो रहे हैं पता है, हाई एंड हाई नहीं हो रहे हैं, हायर एंड हायर हो रहे हैं, भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। द प्राइजेस आर गेटिंग हायर एंड हायर, जैसे अंधेरा होता जा रहा है, इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, मतलब कि इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, अंधेरा होता जा रहा है। तो जब भी कभी इस टाइप की चीज़ें आए ना, तो आपको देखो डार्कर एंड डार्कर, हायर एंड हायर है, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करो, प्रैक्टिस करोगे तो आएगी ये चीज़ें। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नाउ डेज इट वॉज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर, नहीं कोल्डर एंड कोल्डर, मतलब कि ठंड बढ़ती जा रही है। राम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर बॉय इन द क्लास, देखो मोर इंटेलिजेंट और यहाँ पे बॉय सिंगुलर है, तो ऑल अदर कैसे आ सकता है, एनी अदर आएगा। और चेंज आपको इसमें ही करना है, आपके मन में आ जाएगा सर बॉय को बॉयज़ कर दें, मत करो इसको चेंज करो, एनी अदर को ऑल अदर को। सरिता इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर गर्ल्स, देखो ये टॉलेस्ट आ गया सुपरलेटिव डिग्री, तो इसने लिख दिया ऑल अदर गर्ल्स, जबकि मैंने आपको बताया था केवल ऑल आएगा, वो अभी तीन बताए थे ना, ये देखो ये ऑल बताया था ना, है ना, ऑल अदर नहीं आएगा, ऑल आएगा। फिर देखो आगे, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 50 ऑडियंसेस, तो नॉट लेस देन 50, 50 ऑडियंसेज है ना, तो नॉट लेस नहीं आएगा, नॉट फ्यूअर आएगा। ऑफ द टू प्लेयर ही इज़ द लकीएस्ट, देखिए चूंकि टू है तो लकीएस्ट कैसे हो जाएगा, लकीयर होगा, लकीयर। सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी, तो सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन नहीं आएगा, जूनियर टू आएगा। और अगला प्रश्न देखें, रमेश इज एज गुड इफ नॉट, तो देखो एज गुड एज हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी फ्री वाले ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आप जो है कंप्लीट कोर्स भी पढ़ सकते हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जैसे कि आप अगर एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एसआई का बिल्कुल बेहतरीन कोर्स मिलेगा, व्यवस्थित क्रम में एक एक चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना, पीडीएफ वगैरह आपको पूरे वीडियो कोर्सेज, और मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस टाइप की क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लेयर थ्री एजुकेशन के ऐप में जाके भी, लेयर थ्री एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर आप स्टोर ऑप्शन में जाके और अपना जो कोर्स है वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए ओके, तो ये आपका एक और वीडियो कम्प्लीट हो गया, और फिर हम आगे अगला चैप्टर आपका एडवर्ब आपको पढ़ना है इसके बाद में, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।